लौट आया इमली का अथर्व। शुरू हुई इमली अथर्व की नई जिंदगी। गुड न्यूज में ट्विस्ट की एंट्री। स्टार प्लस के सीरियल इमली में हो गए हैं इमली के पूरे 9 महीने और वो पहुंच गई है अस्पताल अथर्व और अपने प्यार की निशानी को जन्म देने के लिए। और वहां उसे याद आ रहा है अपना अथर्व। जरा देखिए कैसे ख्वाबों में आकर अथर्व इमली का हौसला बंधा रहा है। फिर एक ड्रीम आता है कि जब मेरा बहुत लेबर पेन उठता है तो मैं अथर्व को देखती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, अथर्व मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो बोल रहे कम ऑन यू कैन डू इट इमली, तुम इमली की बेटी इमली हो, एंड मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि आप क्यों चले गए छोड़ के, एंड उससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है, एंड तो काफ़ी इमोशनल बहुत सारा, एंड आई एम डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। भाई इमली को अथर्व का हौसला तो मिल गया है, साथ ही वो बच्चे को जन्म देने के दर्द के पड़ाव में है। इसी बीच वहाँ पर धैर्य भी आ जाता है इमली का साथ पाने के लिए, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि इमली अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे धैर्य के साथ, लेकिन इमली अपने अथर्व से प्यार करती है। तो ये जी हटा वरना मैं भी तुम्हें बॉस मैडम भी कहता रहूंगा। ऐसे मोमेंट में ना जब एक विडो होता है विद मतलब प्रेग्नेंट विडो जो होता है ना, उनको बहुत सारी समाज की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत दबाव आता है कि और एक शादी कर लो, कैसे संभालोगी, अकेले माँ हो, पापा का नाम तो चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो इमोशंस को नहीं समझते, बस प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं। तो वहाँ इमली को बहुत हिम्मत रखनी पड़ रही है कि नहीं भाई, मैं अथर्व की जगह किसी और को नहीं दे सकती, मैं ही इसको पापा की याद दी इसके लिए काफ़ी है एंड मैं संभाल लूँगी, बट ऑब्वियसली बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाती है जब भी अथर्व की बात आती है, उसकी यादें आती है। इमली ने प्यार से बच्चे को जन्म तो दे दिया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर सभी के सामने आकर इमली को ये बैड न्यूज देती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। बस फिर क्या, इमली का दर्द फूट पड़ता है और उसे विश्वास ही नहीं होता, वो तो बार बार यही कह रही है कि उसका बच्चा जिंदा है। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये झूठ है, ये पापा ही झूठ बोल रहे हैं। देखा रोने रोने की आवाज सुनी थी, डॉक्टर झूठ बोल रही है। वो सब तुम्हारा बहन है इंदी, काफी बार ब्लड लॉस और मेडिसिन की वजह से ऐसे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं पेशेंट। पूरा विश्वास है हमारा बच्चा जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ।
इमली का एक है कि बच्चा नहीं रहा, नहीं बच्चा जिंदा है, वो कहीं और है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन बच्चा मरा नहीं था, डॉक्टर ने झूठ बोला, वो उसने बिलीव ही नहीं किया कि बच्चा मर गया है, तो उसका एक विश्वास है, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट 5 साल बाद जब ऐसा कुछ जाके ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे अथर्व दिखते, तो इमली की दुनिया एकदम उथल पुथल हो जाती है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। अगर मतलब एक तो है कि शौक, उसके बाद हैप्पी भी कि अरे अथर्व जिंदा है, बट उससे भी बड़ा शौक कि अथर्व जिंदा है लेकिन साथ में कौन है, तो उसको पता चलता है कि साथ में चीनी है, तो इमली की तो दुनिया ही एकदम पलट जाती है कि अथर्व एक तो साथ मुझे छोड़ के चला गया, सारी कठिनाई मुझे देखनी पड़ी, 5 साल से मुझे नहीं पता मैं इस इमोशंस के साथ कैसे तैसे ऐसे जी रही हूँ, बच्चा नहीं है, कोई शेयर करने वाला नहीं है, कुछ नहीं, इतना मेरा लाइफ ऐसी ही होके रखा है, और वहाँ अथर्व चीनी के साथ खुश है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उनकी स्टोरी नहीं पता है, तो मुझे लगता है अथर्व के साथ, अथर्व और चीनी साथ में खुश है और उनके पास एक बच्चा भी है, तो मैं पूरा ही ये इमली को डेफिनेटली अभी नहीं पता चलेगा, इमली तो यही सोचेगी कि बच्चा तो इसका है, चीनी और अथर्व का, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा कि देख के कि बच्चा मेरा है या फिर मेरा और अथर्व का है, तो ये तो नहीं पता चलेगा, तो उस पर देखते हैं क्या आगे स्टोरी खेलती है कि क्या निकलता है। इसलिए चीनी ने जो गेम खेला है, अथर्व का जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके पीछे चीनी का ही हाथ है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो ये राज सामने आएगा ही, लेकिन उसके पहले अथर्व और इमली के अंदर जो अथर्व के लिए गुस्सा पैदा होगा, बिकॉज 5 साल जो झेला है, अथर्व को पता था या अथर्व जिंदा था, क्यों नहीं वापस आया वो लौट के, वो सारा गुस्सा वो निकालेगी, और डेफिनेटली बहुत सारा गुस्सा होगा, बहुत सारे इमोशंस होंगे जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो फिर उस चीज़ को, नेगेटिविटी को या नेगेटिव जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बेसिकली कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, दोनों को गलत समझ रहे हैं, तो वो कैसे दूर होगी और कौन दूर करेगा और यू नो कैसे वो दोनों साथ आएंगे, तो बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें, तो आई थिंक बहुत और ज़्यादा मज़ा आएगा। चाहने वालों को मैं बोलूँगी कि बहुत बहुत मतलब हम लोग ना बहुत कट्टूकट में भी है, लाइक आज जो शूट कर रहे हैं वो कल टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसे कट्टूकट में है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत लाइक नॉट ओनली परफॉर्मेंस वाइज, पूरे यूनिट मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और सब ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और ये मेहनत को रंग लाएंगे तो सिर्फ हम अकेले नहीं, आप लोगों के साथ ही रंग लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग जैसे साथ दे रहे और देते रहिए और प्यार देते रहिए, एंड आई लव यू टू। सीरियल की कहानी में 5 साल का लीप तो आ गया है, लेकिन साथ ही आया है मेजर ट्विस्ट भी, क्योंकि बदल गई है पूरी कहानी। अब देखना होगा कि चीनी के साथ जो अथर्व है, क्या वो वाकई इमली का अथर्व है, और अब उसे देखकर क्या इमली अथर्व से नाराज हो जाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। तो सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू, बता दे हम अपने ऑडियंस को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।